सबसे पहले अपने घरों में टीवी पे ताला लगाओ, ताला लगाना पड़ेगा। अगर आपने ताला नहीं लगाया तो उसका जो झूठा प्रचार है, उसका जो गंदा प्रचार है, वो होता रहेगा और कहीं ना कहीं आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार के लोगों को प्रभावित करता रहेगा। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई न केवल हम पूरी ताकत से लड़ेंगे बल्कि हम पूरी ताकत से जीतेंगे भी। और इस चौकीदार और तड़ी पार के घुटने इसी सड़क पर टिका के रहेंगे हम। संसद में तेरे पास होगा बहुमत, लेकिन इस सड़क पर हमारा बहुमत है, हमारी हुकूमत चलती है, हम यही घुटने टिकाएंगे तेरे। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो सुबह से उठता शाम तक जब तक सोता झूठ ही बोलता, पता नहीं जरा भी शर्म नहीं आती उसको। ऐसा प्रधानमंत्री, सो वो झूठा प्रचार, तुझे बोलना भैया बोलता रहे, तुझे तो कोई सुधार नहीं सकता, लेकिन कम से कम हम तो बच जाए उससे। क्योंकि ये लड़ाई हमारे बच्चों की लड़ाई है, इस देश की लड़ाई है, इस देश को बचाने की, इस देश के संविधान को बचाने की, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई न केवल हम पूरी ताकत से लड़ेंगे बल्कि हम पूरी ताकत से जीतेंगे भी। और इस चौकीदार और तड़ी पार के घुटने इसी सड़क पर टिका के रहेंगे हम। संसद में तेरे पास होगा बहुमत, लेकिन इस सड़क पर हमारा बहुमत है, हमारी हुकूमत चलती है, हम यही घुटने टिकाएंगे तेरे। इसलिए इस लड़ाई को समझ के लड़ना, यही समझाने का मेरा मकसद है और कोई मकसद नहीं है। मैं नहीं जानता दोबारा कब आपके बीच में आऊंगा, पर जब भी जरूरत होगी उस समय हमेशा अवेलेबल रहूंगा। सरकार के पास सब कुछ है, उसके पास सरकारी ताकत है, पैसा है, पुलिस है, फौज है, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास तो केवल हमारी एकता है, हमारी बुद्धि है, समझ हमारी, और हमारा हौसला और हमारा जज्बा, जो कभी कम नहीं होने देना किसी हालत में। और अगर इसी हौसले और इसी जज्बे के साथ हमने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया तो हम इस लड़ाई को निश्चित रूप से जीतेंगे। आपने देखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को? कभी सुना? केवल फोटो लगा के बैठते हो आप, कभी सुनो? आपने लाइब्रेरी बना रखी है बाबा साहब का लिखा हुआ लिटरेचर, उसमें रखो, नहीं है तो मुझे बताना, मैं पूरा दूंगा आपको। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, कभी हथियार नहीं उठाया, अपनी कलम से इस देश का 3,500 साल पुराना जो गंदा इतिहास था, जो अन्याय और अत्याचार पर आधारित इतिहास था, अपनी कलम से एक झटके में बदल कर रख दिया। तो जो कलम की ताकत है, बुद्धि की ताकत है, उसके सामने बाकी सब बेकार। और हम इसी बुद्धि की ताकत से ये लड़ाई जीतेंगे। और लड़ाई जब जीतेंगे तो उसके लिए हमें कुछ काम करने हैं। क्या काम करने हैं? पहला काम जो हमें करना है, अगर कोई दुश्मन है तो हम क्या करते हैं, किसी भी हालत में वो हमारे घर में न घुस जाए, है नहीं है? और अगर घर में घुस के बैठा हो तो क्या करें? निकाल के बाहर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो आपके घर में एक दुश्मन बैठा है, आपको पता नहीं है, और वो इसी का दुश्मन, इसी का यार है, इस चौकीदार का और तड़ी पार का यार है वो दुश्मन। वो क्या है? मीडिया, टेलीविजन। इस सरकार की ताकत अगर सबसे बड़ी कोई है तो ये मीडिया है। जो मीडिया भाजपा का प्रवक्ता होके बोलता, एंकर देखते हो कैसे लड़ते हैं, जैसे पता नहीं इसका ही कुछ छिन गया हो, इसके घर में डकैती पड़ गई हो, ऐसे बीजेपी की हिमायत करते हैं। कोई भी हो, एक नाम की जरूरत नहीं है, कितने ही हैं, ऐसे काम करते हैं। तो ये जो मीडिया है, ये हमारे घर में घुसा हुआ बैठा है, इसे निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि इसके माध्यम से सरकार का झूठा और गलत प्रचार लगातार लगातार हमारे घर में आ रहा है, हमारे दिलो दिमाग पर हलचल मचा रहा है, हमारे दिमाग में घुसे चले जा रहा है ये मीडिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मौज मस्ती की जगह नहीं है,
ये हम पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, ये हम लड़ाई के मैदान में हैं। लड़ाई उन्होंने शुरू करी और अंत इसका पब्लिक करेगी, लेकिन जब लड़ाई के मैदान में है तो लड़ाई के मैदान में योजनाएं बनाई जाती हैं, रणनीति बनाई जाती हैं। एक फेल हो गई तो दूसरी बनाई जाती है, वो फेल हो गई तो तीसरी बनाई जाती है, और रणनीति बना के समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार लड़ा जाता है, क्योंकि युद्ध जीतना है और हम लड़ाई के मैदान में हैं, और इस लड़ाई के मैदान में हमें लड़ते लड़ते 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो अब हमें क्या काम करना है, इस मीडिया को रोकना है। तो क्या काम करोगे, सबसे पहले अपने घरों में टीवी पे ताला लगाओ, ताला लगाना पड़ेगा। अगर आपने ताला नहीं लगाया तो उसका जो झूठा प्रचार है, उसका जो गंदा प्रचार है, वो होता रहेगा और कहीं ना कहीं आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार के लोगों को प्रभावित करता रहेगा। एक झूठ को 1000 बार बोलोगे तो लोग सोचने लगते हैं यार सही कह रहा होगा, बार बार थोड़ी बोलते हैं, सही कह रहा होगा। और यही उनका काम है, क्योंकि उनके पास सच कहने के लिए कुछ नहीं है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो सुबह से उठता है शाम तक जब तक सोता झूठ ही बोलता, पता नहीं जरा भी शर्म नहीं आती उसको। ऐसा प्रधानमंत्री, सो वो झूठा प्रचार, तुझे बोलना भैया बोलता रहे, तुझे तो कोई सुधार नहीं सकता, लेकिन कम से कम हम तो बच जाएं उससे, हमारी पीढ़ी तो बच जाए, हमारा परिवार तो बच जाए, तभी हम लड़ पाएंगे। इसलिए टीवी में ताला बंद करो, पिक्चर देखना बंद करो, न्यूज कुछ नहीं। रविश कुमार जी ने कितनी बार कहा, आप नहीं समझे कि टीवी में क्या आता, क्यों देखते हो। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने कहा टीवी में क्या है, बंद करो, ताला लगाओ उसको। नहीं माने आप, अब तो मानो, अब तो लड़ाई के मैदान में है। लड़ाई के मैदान में अगर दुश्मन घर में घुसा रहेगा तो निश्चित रूप से हारेंगे लड़ाई, और लड़ाई हमें हारनी नहीं, इसलिए ताला लगाओ इसमें। क्यों ताले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि लगभग 200 चैनल न्यूज चैनल वो रिलायंस के हैं, अंबानी के हैं, मुकेश अंबानी के 68 पूरी तरह से खरीद लिए हैं और 122 में चैनलों में उसका हिस्सा है। तो जितनी भी न्यूज आएगी वो रिलायंस के माध्यम से आएगी, और रिलायंस किसके लिए काम करता है, मोदी के लिए, और मोदी किसके लिए काम करता है, इस देश को बर्बाद करने के लिए, इसीलिए काम कर रहा। इसलिए बिल्कुल ताला लगाओ। बहुत देख लिए सास बहू के की सीरियल, अब देखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं उसे देखने की, बात मनोरंजन हो गया। अब मनोरंजन करेंगे जीत के, इस लड़ाई को जीतने के बाद खूब हर्षोल्लास करेंगे, लेकिन उससे पहले इस लड़ाई को जीतना है। तो एक काम, टीवी देखना बंद। पता नहीं गाय के और गोबर के चक्कर में जन क्या क्या बेच रहा, कुछ नहीं पता होता। इसलिए रामदेव की जितने भी पतंजलि के उत्पादन हैं बंद करो खरीदना। क्यों? क्योंकि इनका पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, हमारे खिलाफ, हमारा ही पैसा हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। होने दोगे क्या? नहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी मेहनत का, कमाई का एक एक पैसा हम अपने दुश्मन को नहीं देंगे। हमें इस आंदोलन में पैसा चाहिए, इस आंदोलन के लिए हम वो पैसा लगाएंगे। इसलिए इन दोनों का पूरी तरह से बहिष्कार। और एक, जियो के मोबाइल बड़े खरीदे आपने, सबने फ्री में बांट दिए, सबने ले लिए, और एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आपको मालूम है आइडिया और वोडाफोन लगभग बंद होने जा रहे हैं, इतना बड़ा कब्जा हो चुका है। इसका मतलब समझते हो, अगर एक आदमी के ही हाथ में सारा कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाए, मोबाइल फोन की सारी व्यवस्था एक आदमी के हाथ में आ जाए, तो आपको जब चाहे पंगु कर देगा वो, जब चाहे, एक झटके में कोई न्यूज आपको नहीं मिलेगी।